दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबीटेक में। आज है 30 दिसंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली तस्वीर यहां पर देख सकते हैं कि नए साल से बदल जाएगी शिक्षा की तस्वीर। कई सारी बड़ी अपडेट यहाँ पर है, अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया है। देखा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4 वर्ष का होगा स्नातक पाठ्यक्रम, शुरू होंगे कई इंटीग्रेटेड कोर्स, विभागों को मिलेंगे नए शिक्षक। अब 2023 से क्या क्या उम्मीदें हैं उसके बारे में यहाँ पर देखो बताया गया है। पहली बात यहाँ पर लिखी है कि मुक्त विश्वविद्यालय में लागू होगी नई शिक्षा नीति। एक चीज यहाँ पर यह दी गई है, तकनीकी संस्थानों की भी बदलेगी सूरत, ठीक है, ये चीज है। इसके बाद राज्य विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी आईटी सेंटर की शुरुआत होगी। इसके अलावा यहाँ पर देखो कुछ और चीजें हैं, यूपी बोर्ड परीक्षा इस बार हाईटेक होगी, कई सारे बदलाव यहाँ पर हो रहे हैं। और लास्ट में यहाँ पर देखो दिया गया कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भर्तियों की बहार। अब यहाँ पर भर्तियों के बारे में जो जानकारी दी गई है वो आप लोग जानते हैं, कोई नई चीज नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती होनी है। वहीं पर माध्यमिक विद्यालयों में 3539 सहायक अध्यापक डीजीटी के पद हैं, प्रवक्ता के 624 पद हैं, इन पर भर्तियां होंगी। लोक सेवा आयोग से 303 पदों पर पीसीएसजे की बात करी गई है और एलटी ग्रेड के 5418 पदों पर बात कही गई है। ये सभी भर्तियों की परीक्षाएं जो है 2023 में होंगी, तो नए साल से ये सारी उम्मीदें यहाँ पर हैं। अगली सूचना यहाँ पर देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती से आरक्षण से वंचित अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ चलाएंगे अभियान। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण से वंचित ओबीसी और एससी अभ्यर्थियों ने सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों ने आरक्षण बचाने के लिए सरकार के खिलाफ अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। जीपीओ पार्क में पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और संरक्षक भास्कर सिंह यादव की मौजूदगी में हुई बैठक में इस मुद्दे पर रणनीति बनाई गई। पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार के रवैये से अभ्यर्थी आहत हैं, ओबीसी और एससी अभ्यर्थी अपना हक लेकर के रहेंगे। महासचिव सुमित यादव व उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार प्रत्येक भर्ती में पिछड़ा तथा दलितों का आरक्षण धीरे धीरे निकाय चुनाव की तरह खत्म कर रही है। ऐसे में सभी पिछड़ों और दलितों को आरक्षण बचाने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी उनका चुनाव मतलब साथ देगी चुनाव में अभ्यर्थी, उसका जो है समर्थन करेंगे। तो फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण से वंचित जो भी अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ अभियान चलाएंगे। बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वेटिंग लिस्ट के बारे में, तो वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। 7 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थियों कॉलेज आवंटित। प्रदेश का शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय विज्ञापन संख्या 50 के प्रोफेसर के 13 पदों पर वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। इन अभ्यर्थियों को मुख्य सूची में चयनित उन अभ्यर्थियों की जगह नियुक्ति दी गई है जिन्होंने निर्धारित समय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, ठीक है। तो नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं, अभ्यर्थी जाकर के अपना ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर संशोधित परिणाम में चयनितों को बाहर किए जाने का विरोध भी हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि कई विषयों के संशोधित परिणाम जारी हुए हैं और उसमें जो अभ्यर्थी पहले से चयनित थे जिनकी जॉब 6 महीने की हो चुकी है, वो लोग यहाँ पर विरोध जता रहे हैं। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक संघ ने इसका विरोध किया है और बाहर किए गए शिक्षकों को समायोजित करने की मांग की है। अगली जो सूचना है वो एसआई भर्ती को लेकर के है कि एसआई भर्ती परीक्षा में 68,364 सफल हो गए शारीरिक परीक्षण। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल में सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा के 1.5 महीने बाद कर्मचारी चयन आयोग ने परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में 68,364 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सफल अभ्यर्थियों का शारीरिक और मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट के आधार पर 4700 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। परीक्षा में 4419 महिला और 63,945 पुरुष अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अब यह अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षण में शामिल होंगे, उसके बाद सफल होने के बाद मेडिकल में हो जाएंगे और इसके फिर फाइनल मेरिट बनेगा, इसके बाद इनका जो है चयन कर दिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी है वो चेकआउट कर सकते हैं 18 जनवरी तक, वेबसाइट में लिस्ट अवेलेबल रहेगी, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर है जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। कल के न्यूज में हमने इसके बारे में आपको बताया था कि सीपीएससी सिंगरौर की अगुवाई में जो यहाँ पर कल धरना प्रदर्शन हुआ उसी की तस्वीरें यहाँ पर हैं। जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को प्रदर्शन किया। शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन कर अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की।
प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों का कहना कि पहले की तरह अब भी हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हर बार अफसर यही आश्वासन देते हैं कि भर्ती प्रक्रिया पर तेजी से काम चल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कोई निर्णय नहीं हुआ तो अभ्यर्थी बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। रज्जू भैया विश्वविद्यालय में जो परीक्षा केंद्र है उनको लेकर के संशय है। 227 कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर संशय। राज्य विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं जो है 11 जनवरी से प्रस्तावित है और विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द ही परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी कर सकता है। सामूहिक नकल में दोषी पाए गए परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे इस बार या नहीं बनाए जाएंगे, इस पर संशय बना हुआ है। बात कर लेते हैं हम लोग अगली अपडेट के बारे में। तो सीबीएसई को लेकर की अपडेट है कि सीबीएसई प्रैक्टिकल 2 जनवरी से शुरू। सीबीएसई बोर्ड के प्रैक्टिकल की परीक्षाएं 2 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेंगी। जानकारी के अनुसार कक्षा 10 की प्रैक्टिकल परीक्षा में बाहर से परीक्षक नहीं बुलाए जाएंगे, जबकि 12वीं के प्रैक्टिकल के लिए बाहर से परीक्षक आएंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो 12वीं के प्रैक्टिकल में ज्यादा सख्ती होने की उम्मीद है। इसके साथ ही यहाँ पर आप लोग परीक्षा कार्यक्रम भी देख सकते हैं। 10वीं का और 12वीं का पूरा परीक्षा कार्यक्रम यहाँ पर देखो दिया गया है। 10वीं की परीक्षाएं 21 मार्च को समाप्त हो जाएंगी और 12वीं की परीक्षाएं 5 अप्रैल को समाप्त होंगी। डिटेल जो कार्यक्रम में आप लोग सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ governmentjobcenter.com पर भी लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर यूजीसी नेट को लेकर के। यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कल 29 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। उसी के बारे में यहाँ पर देखो अपडेट है कि यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का आयोजन 21 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक होगा। परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए ने गुरुवार को बताया कि ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर से 17 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। यह परीक्षा 83 विषयों में आयोजित की जाएगी। तो इसका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो अभी थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगा चैनल पर, ठीक है। तो आप इसमें सारी चीज समझ सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या सिलेबस वगैरह होगा, सारी चीजें आप लोग वहां पर समझ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। governmentjobcenter.com पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना यहां पर यूपी बोर्ड से। यूपी बोर्ड की तरफ से इस बार जो है परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी हुई है। हालांकि ये अभी जिला स्तरीय चयन समिति ने जो लिस्ट जारी की है वो अवेलेबल है। बाकी फाइनल लिस्ट जो है वो आपके 7 जनवरी को जारी होगी। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, अभिभावक हैं या शिक्षक हैं, अगर कोई आपत्ति जताना चाहते हैं तो 31 दिसंबर तक आप लोग इसमें आपत्तियां जता सकते हैं वेबसाइट पर। उसके बाद फिर लिस्ट फाइनल हो जाएगा। उसके बाद कोई भी जो है फिर संशोधन नहीं मिलेगा। तो यहां पर मंजनपुर से अपडेट दी गई है कि 45,013 परीक्षार्थियों के लिए बने 85 केंद्र। इसके बाद अगली जो अपडेट एकेटीयू से, एकेटीयू के बारे में बताया गया। अब 1 जनवरी तक भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म। एकेटीयू ने परीक्षा फॉर्म में आ रही दिक्कतों को देखते हुए एक बार फिर फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार अब विद्यार्थी 1 जनवरी तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही सेमेस्टर परीक्षा का निर्धारित शुल्क भरने की तिथि भी 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। हालांकि अभी परीक्षाएं जो है 4 जनवरी से ही प्रस्तावित है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।